हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। काफी टाइम से मैंने सोचा कि आपके लिए मैं कुछ नए टॉपिक्स या इन्फॉर्मेशन, मैंने बहुत समय से जो पुराने वीडियोस हैं उन्हीं को देख करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मैंने सोचा कि चलो अभी जो ह्यूमिडिटी वाला जो समय, फंगल इन्फेक्शन हो गया है लोगों को, उससे कुछ गलतियां आप करते रहते हैं, तो आप मेरे टॉपिक को ध्यान से सुने। अगर इनको सुन करके अगर आपको लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो आप इन इन्फॉर्मेशन को अपने आप अप्लाई करें, लोगों को बताएं, शेयर करें, ताकि आपके जैसे जो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, मैं चर्चा कर रहा हूँ फंगल इन्फेक्शन, दाद, खुजली जो पसीने से होती है, जांघों के किनारे, अंडर ब्रेस्ट के किनारे, बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है। इस चीज से आज के डेट में लगभग 80% लोग परेशान है। नाखून में भी इन्फेक्शन होता है, वो भी फंगल इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि पहला चीज, कोई भी प्रकार का रेसेस हुआ, खुजली हुआ, तो वो गलत क्रीम का इस्तेमाल कर देते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के हमारे जो पेशेंट होते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनको वो जानकारी नहीं रहती है, तो वो क्या करते हैं, किसी प्रकार के स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। और उस क्रीम का गजब चीज क्या होता है, आप जब तक इस्तेमाल करते रहोगे वो दबा देगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि उस क्रीम से आपकी पूरी बॉडी नुकसान हो गई, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते हैं। क्लिनिक में भी आने से मैं बोलता हूँ कि आपने जैसे डर्मी के मोसी लगाया, पेंडम लगाया या कोई भी लगाया जिसमें क्लोबेटासोल, मोमेटासोन है, उसको आपने लगाया, लगाने के बाद होता क्या है, वहां की चमड़ी वो दब जाती है, मतलब ठीक हो गया जैसा फील होता है, दिखता है। इससे अब पेशेंट को काफी रिलैक्स मिलता है, अच्छा लगता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोबेट जीएम जैसा फॉर्मूला मेरे को अभी अभी रिसेंटली पता चला कि मेरे फैमिली मेंबर, घर वाले ही उसको यूज करते रहते हैं। तो उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूले होते हैं इनसे ही आपकी स्किन धीरे धीरे नुकसान होती जा रही है। और अच्छी क्वालिटी के जो मेडिसिन, सही मेडिसिन होते हैं दांत की, जैसे लुलिकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, किटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, एजोल, जिसमें कि एजोल है, ये सही क्रीम है, इनको लगाने के बाद भी आपका इन्फेक्शन अब ठीक नहीं होगा, ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है। दूसरा चीज देखिए, दाद क्या है, फंगल इन्फेक्शन काई से आप कंपेयर करो, काई कहाँ होता है, जहां पे नमी, चिपचिपा, ह्यूमिडिटी, गंदगी है, उन जगह पे काई होता है। वैसे ही अगर आपका शरीर में पसीना हो रहा है, एक ही कपड़े को बार बार पहन रहे हैं, आपके अंडरवियर अच्छे से धूप में नहीं सूखते हैं, आपको पसीना ज्यादा आता है, किनारे फोल्ड एरिया को आप 2 से 3 बार साफ करके नहीं रख सकते हैं, महिलाएं हैं जिनको पसीना ज्यादा आता है, और इंडिया में भाई 99% लोगों का घर कैसा है, ह्यूमिडिटी, एसी में कोई नहीं रहता है, घरों में पंखे हैं, नॉर्मल जगह हैं, तो आपको पसीना में ऐसा चीज होगा। आपको सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है कि आप जो अपनी बॉडी में लिंक्स के, केनोकॉट या कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं, पहला तो इंजेक्शन मत लगवाएं आप, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है। आपको करना क्या चाहिए, दूसरा स्टेरॉइड क्रीम नहीं लगाना चाहिए, मेडिकल स्टोर से आप सलाह लीजिए कि आपको किसे दिखाना है, ठीक है। एक और गलती क्या होती है, बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं, हमको दुख इस चीज का लगता है कि सर हम उनको अच्छा समझ करके, डॉक्टर समझ करके हम उनको दिखाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके जो आसपास में प्रैक्टिशनर है, देखिए क्या होता है, उनको स्किन एक स्पेसिफिक चीज है, उनके बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कोई आपको ट्यूब दे दिए, भैया इट्राकोनाजोल चल रहा है आजकल, फेमस है, फंगल इन्फेक्शन से ठीक हो जाता है, 1 महीना आप खा लो। आपने क्या किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना खा लिया, इतना दिन आप खा लेंगे तो आपको पता है कि वो डाइजेशन कहाँ होता है इट्राकोनाजोल का। इट्राकोनाजोल जो होता है आपके लीवर में डाइजेस्ट होता है, तो लीवर को नुकसान हो सकता है, लीवर नुकसान होगा तो जब हमारे पास आप आते हैं, आप इतनी सारी दवाई खा लिए रहते हैं। दूसरा, हम कई बार मैं पूछता हूँ, देखिए कई बार क्या होता है, एक मामूली से चिड़चिड़ा हमको होता है कि आपके पास जानकारी नहीं रहती है, अगर आप जानकारी आधी अधूरी देंगे तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा कैसे होगा। आप सबसे पहले तो आप खुद सोचें कि आपको परमानेंट इससे छुटकारा पाना है, अगर पाना है तो आप अपनी जानकारी को इकट्ठा करें, आपको कब से हुआ, होने के बाद आपने उसमें क्या अप्लाई किया, क्या लगाया, आप हर दिन 2 बार नहाते हैं कि नहीं, कपड़े को कैसे सुखाते हैं, पतले टॉवल उपयोग करते हैं कि नहीं या मोटे टॉवल उपयोग करते हैं, कौन सा साबुन उपयोग करते हैं, घर का स्ट्रक्चर, आपको हवा वेंटिलेशन वहाँ है या नहीं है, तो आप इन चीज़ों को सोचें। आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को पूछें, मैं आपको एडवाइस देने के लिए बैठा हूँ, समय लगेगा लेकिन आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इनके अलावा देखिए आपको करना क्या चाहिए, आपको स्किन में बॉडी लोशन, फंगल इन्फेक्शन जिन ज्यादा एरिया पे ज्यादा होता है, आपको डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए डस्टिंग पाउडर क्या होता है,
पसीने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बहुत सारे टीबीएट्स में गलत दिखाते हैं कि रेसेस पे लगाओ ठीक हो जाएगा, ठीक होता नहीं है। एब्जॉर्ब होगा तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अब आपको मैं कुछ गलतियां आपकी बता रहा हूँ जिनको आप करते हैं। जब भी इन्फेक्शन हुआ आप स्टेरॉयड युक्त क्रीम लोबेट जीएम पेंडम डर्मिक्योमिसिन कोई भी क्रीम लगा देते हैं और आपको मैं बताता हूँ उसके बाद भी आप नहीं मानते कि इससे नुकसान हो रहा है। आप ये बोलते हैं कि सर इसी को लगाने से तो ये ठीक होता है, ये एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है, समझा नहीं पाता हूँ मैं, या आप मेरे को तरीका बताएं कि भाई मैं कैसे समझाऊं। मैं कई लोगों को इसको बोलता हूँ कि पॉइजनस है, इतना ज्यादा नुकसान है, स्टेरॉइड से आपको बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं। आप मेरे बात को आप समझो, इन चीजों को आप सीरियसली लो, इन चीजों को आप अपनी स्किन में बार बार लगाते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप अच्छी मेडिसिन भी यूज करोगे तो आपको दांत ठीक नहीं होगा, आप परेशान होते रहेंगे। मैं चाहता हूं दांत वाले पेशेंट मेरे पास कम से कम आए, सावधानियों को समझें, सुने और मेरे पास मत आए, घर में बैठ के ठीक हो जाए, किसी डॉक्टर के पास ना जाए। मेरा पर्पज ये है, मैं आपको बार बार बुलाना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार आए, मेरे ट्रीटमेंट फंडा मैं क्या बता रहा हूं आप उसको समझ जाए, क्या गोलियां खानी है क्या। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक कोई भी दांत के लिए कोर्स होता है, इस कोर्स को आपने 6 महीना पूरा कर, नहीं, इसलिए आपको स्टार्टिंग में 4 बार 5 बार 10 बार भी दिखाना पड़ सकता है। मैं स्किन को आपको एग्जामिन कर सकता हूं, खरोच करके हम उसका जांच कर सकते हैं या कोई ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, क्या आप घर बैठे आप उसको खुद समझ सकते हैं कि क्या दाद हुआ है, दाद की वैरायटी कौन सी है, क्या उसमें स्टेरॉइड लगाने से नुकसान हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि जानकारी नहीं है तो आप हमको कंसल्ट करें, हमसे सलाह लें, सलाह लेने के बाद में आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा। 2-4 बार हो सकता है लगे आपको इरिटेशन हो, प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे आप खुद अपनी बॉडी को एनालिसिस करो कि सर ये खाने से ज्यादा हो जाता है, पसीने में ज्यादा हो जाता है, और ढीला ढाला कपड़ा पहन रहे फिर भी हो जा रहा है। तो ऐसे धीरे 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 अगर आप अपनी बॉडी को एनालिसिस करिए, एनालिसिस करते करते अगर आप जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी में पैचेस बहुत कम हो जाएंगे। और सबसे अच्छा ठीक उन्हीं का होता है, मैं आपको ये भी याद दिला दूं, देखिए एक पेशेंट का एग्जांपल आपको देके बताता हूँ, जिनको धूप से रिएक्शन होता था, हाथों में खुजली होती थी। मैंने उनको करीब 2 साल पहले पहली बार देखा था, उनको मैंने बताया कि आपको धूप के कारण रिएक्शन होता है, खुजली होती है। ट्रीटमेंट देके मैं भेज दिया, मेरे को ऐसा लगा कि वो मेरे बातों से वो सहमत हुए और वो 1.5 साल बाद मेरे पास वापस आए सेम कंप्लेन लेके। उनके पास 10 डॉक्टरों की अलग अलग पर्चियां थी, मेरे पास वापस आया तो मैं उनको बोला पर्ची नई पर्ची बनाया, फिर से दिखाया, मैं उनको देखा और मैं बोला फिर से धूप का रिएक्शन होता है, आपको कपड़ा ही ढकना है, कोई ट्रीटमेंट जरूरत नहीं है, फुल कपड़ा पहनो आप, सॉक्स जो हाथों में लगाते हैं दस्ताने वो यूज करो, कपड़े छाते यूज करो, है ना, ये ट्रीटमेंट है। उन्होंने बोला सर हमने आपसे 1.5 साल पहले भी दिखाया था, आपने यही चीज बोला था, हम 10 डॉक्टर्स को दिखाए, उन्होंने ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ दिन के लिए दब जाता लेकिन परमानेंट ठीक नहीं हो रहा है। मैं उनको यही में बोला अगर आप मेरे से दिखा रहे हैं तो मेरी बातों को आप सीरियसली लो, थोड़ा सा आप मेरे को ट्रस्ट करो भाई, आप अगर मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो दिखाने का फिर क्या फायदा, कुछ तो ट्रस्ट करिए जी। मैं आपको यहां बैठा हूं आपको नुकसान कराने के लिए, आपको नुकसान से इस टाइप की चीज नुकसान कराने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, आपको सही चीज बताऊंगा, आपको जानकारियां बताऊंगा, अगर आपको ठीक नहीं होगा तो मैं आपको रिफर भी करूंगा, बताऊंगा कि आप मेरे से संभव नहीं हो रहा है आप उनको दिखाइए, हायर सेंटर पे जाइए। तो आप मेरे बातों को सीरियस लो, मैंने उनको सिंपल चीज बताया, आप कपड़ा ढको, सनस्क्रीन लगाओ, छोटी मोटी गोलियां खुजली के खाते रहो। आज करीब उनको और 1 साल करीब हो गया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल कपड़ा मतलब फुल कपड़े। देखिए ये प्रॉब्लम मेरे को भी हो सकता है, तो जिस बीमारी का सॉल्यूशन जो है उसको अगर आप करते हैं तो आपको बीमारी 90% ठीक हो जाएगा। देखिए आपको सिंपल एग्जांपल ही ले देता हूं, हम क्या विजिट जाते हैं फील्ड विजिट, क्या पसीना या ह्यूमिडिटी हमको नहीं हो सकता, हो सकता है। हम आप जैसे फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के कॉन्टेक्ट में लगातार ज्यादा आते हैं, हम ज्यादा एक्सपोजर होते हैं, हमको किसी प्रकार इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हम छोटी छोटी सावधानियों करते रहते हैं तो हमको इन्फेक्शन कम होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि हमको केवल जानकारियां हैं। हम लिटरली आपको मैं बता दूं, हमारे पास सैंपल्स आ जाते हैं मेडिसिन मेडिकल कंपनीज के आ जाते हैं, फिर भी हम दवाइयों का उपयोग, गलत चीजों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पहले उनको समझते हैं किस चीजों से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और समझने के बाद ही हम दवाओं का उपयोग करते हैं। आप पब्लिक, आम पब्लिक आपको आपके आस पड़ोस लोग बता देते हैं कि बेटनोवेट से गुरा हो जाएगा, ये चीज लगा लो उससे ऐसा हो जाएगा, डर्मिक्योम लगाने से फंगल चला जाएगा, तो इन चीजों के चक्कर में आप मत पड़िए। आप अपनी बीमारी को पहले समझिए हुआ क्या है, और उसको घरेलू उपचारों से, नारियल तेल से, नीम पत्तों से, अच्छे से नहा करके, बोरोप्लस, इन चीजों से ठीक करने की कोशिश करें। इनसे नहीं होता है तो आप जरूर डॉक्टर की एडवाइस लें और प्रॉपर 10-15 मिनट समय लें।
जैसे मैं अपने फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को समझाता हूँ 50 बार भी, ऐसे नए नए पेशेंट आएंगे, थकता नहीं हूं मैं, उनको जरूर समझाऊंगा। आपको आज भी समझा रहा हूं मैं, और मेरा ये टॉपिक बनाने का उद्देश्य यही था कि आप फंगल इन्फेक्शन से अगर परेशान हैं तो इससे परेशान मत होइए, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक जरूर होगा और डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं, जिससे मैं आपको नए टॉपिक्स पे फिर से जरूर बताऊंगा कुछ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।